और इस बीच राम रहीम से जुड़ी एक और बड़ी खबर। दो साध्वी के साथ बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम से आज राजस्थान पुलिस ने रोहतक की सुनारिया जेल में पूछताछ की है। जयपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान पुलिस राम रहीम से 2015 में दर्ज मामलों में जांच में शामिल के बारे में आप पहुंची और पुलिस थाना जवाहर सर्किट ईस्ट जिला जयपुर मुकदमा तो आपदारिक 2015 के मामले को लेकर पूछताछ हुई है। सुरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी साथ। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी, क्या पूछताछ हुई और ये मामला क्या था 2015 के जिसको लेकर पूछताछ की गई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 2015 का मामला है जहाँ जवाहर जो सर्किट ईस्ट थाने में जो राम जो मामला दर्ज है, जो राम रहीम से इस मामले में जांच में शामिल होने के लिए जो जयपुर पुलिस सुनारिया जेल पहुंची थी। करीब 2:25 पर वो जेल के अंदर गए थे और 3:50 पर वो बाहर आए हैं। तो करीब 1.5 घंटे करीब राम रहीम से पूछताछ की है। उनके खिलाफ 344 और 120 बी के तहत जो धाराएं थी उसके तहत पूछताछ की गई है। अभी क्या सवाल जयपुर पुलिस द्वारा किए गए हैं ये तो नहीं पता चला पाया है, लेकिन जो राम रहीम से पूछे जो राजस्थान पुलिस आई थी वो उस मामले में उनसे जांच में शामिल करने के लिए आई थी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि आज राजस्थान पुलिस ने रोहतक की सुनारिया जेल में राम रहीम से पूछताछ की है और करीब 1.5 घंटे तक ये पूछताछ चली है। 2015 का पूरा मामला, हालांकि क्या पूछताछ की गई, क्या कुछ सवाल किए गए हैं, अभी ये सब कुछ सामने नहीं आया है। तस्वीरें आपके सामने रोहतक की सुनारिया जेल की, जहां पर राम रहीम बंद है। साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा हुई है।